हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हैं लेट्स टॉक ऑटोमोबाइल्स। यहाँ पर रिवॉल्व को लेकर मुझे 2 महीने के ऊपर हो चुका है और 2000 किलोमीटर पार हो चुका है। दोस्तों, बाइकर लिए हुए मुझे 2 महीना 2 या 3 दिन हुआ है और हमारे 2000 किलोमीटर पार हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे मीटर में, और यहाँ पर इस दौरान मैं एक बार सर्विस सेंटर भी जाके आ चुका हूँ और सर्विसिंग भी करवा के आया हूँ। तो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि सर्विस करवाने के बाद भी मेरे को कुछ तकलीफ आ रही है बाइक में। तो यहाँ पर जो इसका हॉर्न था वो अभी भी मेरा ठीक नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मेरा हॉर्न है कभी कभी आवाज करता है कर, लेकिन फिर से बंद हो जाता है। मैंने खोल के एक बार बनाया भी है, फिर भी खराब हो गया। जब सर्विस करवा के आया था मैं, तो 2-3 दिन हॉर्न काम कर रहा था, फिर उसके बाद फिर से प्रॉब्लम आने लगा। और ओवरऑल एक गाड़ी में आवाज आता था पक पक पक, वो आवाज का क्लिप आपको मिल जाएगा। वो आवाज कुछ ज्यादा इरिटेटिंग था और मुझे ऐसा लग रहा था कि ब्रेक पैड से आ रहा है या फिर बेल्ट से आ रहा है। लेकिन उस सर्विस के बाद मैंने उनको बताया, बोला कि बेल्ट को थोड़ा सेट वगैरह कर दो, तो उसके बाद मेरा वो जो एक इरिटेटिंग मेन आवाज़ था, प्रॉब्लम था, वो चले गया, जो कि काफ़ी बढ़िया बात हो गई थी। और ओवरऑल हॉर्न के बारे में मैं बोला कि दूसरा हॉर्न लगा दो, तो बोले सर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो इनके पास पार्ट्स जल्दी अवेलेबल नहीं होता है, तो ये भी एक थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा है मुझे। देखते हैं कंपनी को इस पे काम करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग का इश्यू आता है, कुछ भी पार्ट खराब हो जाता है, बेल्ट कभी टूट गया या फिर कुछ भी, तो उनको टाइम लग जाता है, 1-1-2-2 महीना लग जाता है। तो ऐसे टाइम पे तो लोग कितना इरिटेट हो जाएंगे। तो ओवरऑल मेरे को सर्विस का एक्सपीरियंस अच्छा लगा, लेकिन इनके पार्ट्स का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है जिस पे इनको फोकस करना चाहिए। और गाड़ी का देखा जाए तो सर्विसिंग काफ़ी बढ़िया किया था इन्होंने, और उसका वीडियो भी मैंने बनाया, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा, आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल अभी तक 2 महीने का एक्सपीरियंस बोलूँ एक लाइन में तो काफ़ी बढ़िया है, और अभी भी कोई दिक्कत नहीं आ रही गाड़ी में। और देखा जाए तो आप इसको परचेस कर सकते हो, वैल्यू फॉर मनी है, और ऑलमोस्ट अगर आप सारे मोड्स को मिला के देखोगे तो इसका एक रेंज आ जाता है 100 किलोमीटर के ऊपर आपको मिल जाएगा, और उसमें भी 10-15% आपका बैटरी बचा रहेगा। तो देखा जाए तो गाइज आप इसको परचेस कर सकते हो, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है, और अभी इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकन, एंड फाइनली गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।